हेलो दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान वासियों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। जी हां भाई, राजस्थान में फिर से मौसम बदलने वाला है, साथ ही अंधड़ के साथ बौछारें गिरेंगी और किसानों कर सकती है परेशान। तो भाई हम आपको बताएंगे राजस्थान में कहां कहां मौसम बदलने वाला है, साथ ही कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे उसकी सारे बिल्कुल ताज़ा जानकारी, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। साथ ही आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करते देखते ही, ताकि राजस्थान वासियों तक ये मौसम की ताज़ा जानकारी पहुँच जाए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान में हो रही बढ़ोतरी से मौसम में गर्माहट बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में बदल रहे मौसम के मिजाज के चलते प्रदेश में फिर से पारा में गिरावट की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय तराई इलाकों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वहीं अफगानिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान की तरफ चक्रवाती तंत्र के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने पर आगामी 6 और 7 अप्रैल को प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्व के कुछ इलाकों में तेज रफ्तार से धूल भरी हवा चलने, साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे में पश्चिमी हवा चलने पर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं बात करते हैं राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में बीते 2 दिन से अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बीते शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रविवार सुबह शहर में छितराए बादलों की आजवाई रही। वहीं स्थानीय मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे में शहर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जता दी है। तो भाई ये थी मौसम की जानकारी। अब हम आपको बताते हैं किन किन जिलों में अगले 24-48 घंटे में बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 अप्रैल को प्रदेश के झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में आंधी के साथ मेघ गर्जना होने और हल्की बरसात होने की चेतावनी जारी कर दी है। तो भाई जिन भी जिलों का हमने नाम लिया है, आप भी हो जाइए वहाँ पर सावधान। अगले 24-48 घंटे में मौसम बदलने के साथ ही बरसात हो सकती है इन 7 जिलों में। वहीं पिछले 24 घंटे में कितना न्यूनतम तापमान रहा प्रदेश में वो ध्यान सुने। वनस्थली में 15.5 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 16.2 डिग्री, डबोक में 17.2 डिग्री, बूंदी में 18, सीकर में 18.5, अजमेर में 19.5, कोटा में 19.6, श्रीगंगानगर में 20.1, चूरू में 21.2, जोधपुर में 21.7, जयपुर में 22.5, बीकानेर में 22.5, साथ ही जैसलमेर में 23, बाड़मेर में 23.4 और फलौदी में सबसे ज़्यादा तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया। तो भाइयों ये था न्यूनतम तापमान जो हमने सारे जिलों का आपको बता दिया है। वहीं अगले 24-48 घंटे में सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में बरसात होने की पूरी संभावना है। तो किसान भाइयों हो जाइए आप भी सावधान। तो भाई ये तो पूरे राजस्थान के मौसम की बिल्कुल ताज़ा जानकारी जो हमने आपको बता दी है। अगर आप भी अपने जिले या राज्य की मौसम की जानकारी हमारे द्वारा पाना चाहते हो तो तुरंत कमेंट कर दें अपने जिले या राज्य का नाम, ताकि हम हमारे नई वीडियो में आपके जिले या राज्य की मौसम की ताज़ा जानकारी आपको दे देंगे कि वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, इसलिए कमेंट जरूर करना। साथ ही आपसे विनती है वीडियो को देखते ही लाइक कर दें और शेयर कर दें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की जनता तक ये मौसम की ताज़ा खबर पहुँच जाए। तो भाई वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।